अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में जो फल का स्प्रे करते हैं, ये किस टाइम करना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और किस स्टेज पर इसको फसल पे स्प्रे हमें करना चाहिए। स्प्रे किस वक्त हो जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इस मकसद के लिए अगर हम बात करें तो जब जो हम देखते हैं अपनी फसल उसमें ये देखते हैं कि ये जो फ्लैग लीफ है, पौधे का ये जो फ्लैग लीफ है, ये इसको हम जब बाहर निकालें, जब हम इसको खोलते हैं बाहर निकालते हैं तो इसमें मिंगल जो होती है वो मौजूद होती है। जैसे कि अभी हम आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, इसको जब हम खोलते हैं तो ये देखें, ये इसमें मिंगल बनी होती है। ये बेहतरीन वक्त होता है फल की स्प्रे का। अब हम बात करते हैं कि हमें स्प्रे कौन सी करवानी चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, हमारे झाड़ में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो। उसके लिए बहुत सी कंपनियों के पास अलग अलग प्रोडक्ट मौजूद हैं, लेकिन जिससे हमें ज्यादा फायदा होता है वो सिजेंटा नियस वगैरह के पास इजाबियन है, अमिस्टर टॉप है और प्लैनम है। कुछ किसान भाई जो हैं वो स्कोर से भी वाकफ होंगे, ये जो स्कोर है इसमें डाइफेनाकोनाजोल जो जहर मौजूद होता है। इससे अब एडवांस जो इन्होंने केमिस्ट्री बनाई है नियास्फेरा वालों ने, वो मिस्टर टॉप के नाम से है। इसमें स्कोर वाला जहर डाइफेनाकोनाजोल भी है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा जहर ऐड किया है जो कि एग्जॉस्टिव स्ट्रोबन है। इसका मकसद क्या होता है स्प्रे, इसका हम क्यों करवाते हैं फसल में? ये जो होता है ये एक तो जो फसल की बीमारियां होती हैं उनसे फसल को महफूज रखता है, ये जो BLS होती है बैक्टीरियल स्पॉट्स होता है उससे महफूज रखता है। इसको करवाने से फसल का जो चावल होता है, जो मुंजी होती है, वो उसकी शाइन बढ़ती है, वो चमकदार होती है। उसके अलावा हम करवाते हैं ईजाबियन, ये इस ईजाबियन है, ये 400 ml फी एकड़ हम इसका स्प्रे करवाते हैं। इसमें अमाइनो एसिड मौजूद होता है। अमाइनो एसिड का क्या फायदा होता है? ये जो होता है ये ज्यादा से ज्यादा पत्ते को हरा रखता है, सब्ज रखता है। जितनी देर तक पौधे का पत्ता जो है वो सब्ज रंग का रहेगा तब तक वो खुराक तैयार करता रहेगा और फल को ट्रांसफर करता रहेगा, जिससे दाना वजनी होता है और मुंजल का जो साइज होता है वो भी इससे ज्यादा बढ़ता है, जिससे ऑटोमेटिकली जो होता है इसका जाड़ होता है उसमें अजा हो जाता है। उसके बाद हम करवाते हैं जो वो प्लैनम है। प्लैनम किस मकसद के लिए करवाई जाती है? इसका मकसद मेन तो जो तने की सुंडी होती है, जिससे अगर तो पौधा तने की सुंडी से मुतासर होता है तो मुंजर जो होती है वो वाइट कलर की निकलती है, जिसमें दाना नहीं बढ़ता और वो खाली मुंजर होती है और सफ़ेद रंग की हो जाती है, वो अफेक्टेड होती है तने की सुंडी से। अगर हम इसका स्प्रे करवा देंगे गोब की सूरत में तो उससे हमारी जो फसल है वो तने की सुंडी से महफूज रहेगी, पत्ताल पर से भी महफूज रहेगी और जिससे हमारे जो फसल का झाड़ है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करें अगर इसको स्प्रे करवाने का जो तरीका है, इसको स्प्रे ज्यादातर हम जो फी एकड़ डोज है वो 100 लीटर पानी है। अगर हम 100 लीटर पानी डोज के साथ स्प्रे नहीं करवाते तो हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता। अगर हम चाहते हैं कि इसका हमें 100% रिजल्ट मिले, हमारे झाड़ में कम अज कम 8 से 10 मन इजाफा हो, तो हमें चाहिए तो कि हम जो होता है स्प्रे मैन होता है उसको बोलने के हमारे एकड़ में 25 लीटर वाली 4 टंकियां इस्तेमाल करें फी एकड़ में। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हासिल होता है और हमारे झाड़ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।